कैसे खत्म हुआ श्री कृष्ण समेत पूरा यदुवंश। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि महाभारत का विशाल युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था और इन 18 दिनों में ही भयंकर रक्त बहा और अनेकों लोग काल के मुंह में समा गए। धन के साथ जन की भी हानि हुई थी। इस विशाल महायुद्ध में कौरवों के समस्त गुरुकुल यानी कि कौरव वंश का विनाश हो गया। पांडवों के वंश में भी पांडव के अलावा सिर्फ कुछ ही लोग जीवित बचे, अधिकांश लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इन दोनों वंशों के अलावा एक वंश और था जिसका भी विनाश हो गया और वो वंश श्री कृष्ण का वंश यानी यदुवंश था। ऐसा माना जाता है कि यदुवंश का विनाश एक श्राप के कारण हुआ था। तो आइए जानते हैं किसने और क्यों दिया वो श्राप। जब महाभारत के युद्ध का विराम हुआ तो समस्त कौरव कुल का विनाश हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे, जिससे युधिष्ठिर को राजा बनाकर राज तिलक किया गया। कौरवों की माता कौरवों के विनाश के लिए और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार से कौरवों का पूरे वंश सहित विनाश हो गया है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के वंश यदुवंश का भी समूल विनाश हो जाएगा। गांधारी से श्राप मिलने के बाद श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट गए और समस्त यदुवंशियों के साथ प्रयाग के क्षेत्र में चले गए और अपने साथ अन्न का भंडार भी लेकर गए, क्योंकि श्री कृष्ण गांधारी से मिले रहस्य का महत्व जानते थे। इसीलिए उन्होंने सभी यदुवंशियों से अन्न को ब्राह्मणों को दान करने के लिए कहा और मृत्यु का इंतजार करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद ही महाभारत के युद्ध को लेकर के सात्यकी और कृतवर्मा के नाम के दो यदुवंशियों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने क्रोध में आकर के कृतवर्मा के सर को काटकर अलग कर दिया, जिससे कृतवर्मा की मृत्यु हो गई। इस कारण यदुवंश दो गुटों में विभाजित हो गया और आपस में ही युद्ध प्रारंभ हो गया और एक दूसरे का संहार करना शुरू कर दिया। इस भयंकर युद्ध में समस्त यदुवंश समेत सात्यकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन का भी अंत हो गया। केवल बबरू और दारुक नाम के व्यक्ति ही शेष बचे। इस भयंकर युद्ध और यदुवंश के नाम से आहत होकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली और अपने स्वधाम को लौट गए। जब यदुवंश का विनाश हो गया और बलराम जी भी अपने निज धाम को लौट गए, तो उसके बाद श्री कृष्ण एक दिन एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे। उसी समय उस जंगल में एक जरा नाम का बहेलिया शिकार के लिए आया हुआ था। जरा इस जंगल में हिरण का शिकार करने को आया था और जब उसने विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैर के तलवे को देखा, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर के लगा। जब जरा बहेलिये ने पास में आकर देखा तो श्री कृष्ण के तलवे में लगे हुए बाण को देखकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने जरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमने मेरी इच्छा के अनुसार ही ये काम किया है। जरा बहेलिया के वहां से जाते ही श्री कृष्ण का सारथी दारुक वहां पहुंच गया। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि वह तुरंत द्वारका चला जाए, वहां सभी को ये सूचना दे कि समस्त यदुवंश का विनाश हो चुका है और बलराम भी अपने निज धाम को चले गए हैं। समस्त द्वारका को लेकर हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि द्वारका जल मग्न होने वाली है। दारुक के जाते ही वहां पर समस्त देवतागण, अप्सराएं, यक्ष किन्नर आदि उपस्थित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और अपने निज धाम को वापस लौट गए। दारुक ने जैसे ही द्वारका में श्री कृष्ण के समाचार को सुनाया तो सभी ने इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण के वियोग में अपनी देह से प्राणों को त्याग दिया। जब अर्जुन को श्री कृष्ण और बलराम के निज धाम लौटने की खबर मिली तो उन्होंने द्वारका पहुंचकर समस्त यदुवंश का पिंड दान किया और बचे हुए लोगों को लेकर के हस्तिनापुर लौट गए। अर्जुन के लौटते ही श्री कृष्ण के निवास को छोड़कर पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। जब बाकी पांडवों को ये समाचार मिला तो वो सब बहुत दुखी हुए और सभी हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए, जहां एक एक करके सभी पांडवों ने अपने प्राणों को त्याग दिया।
रामायण में इस बात का जिक्र है कि वानरराज बाली ने अगले जन्म में एक बहेलिये के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था। राम भगवान ने जैसे त्रेता युग में बाली को छुपकर मारा था, वैसे ही द्वापर युग के श्री कृष्ण के इस अवतार में भगवान ने अपने लिए उसी तरह मृत्यु की व्यवस्था की जैसे उन्होंने राजा बाली को मारा था। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।